मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावत ब्लॉक में स्थित पशु चिकित्सालय में गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर बैठकर भजन कीर्तन किया और अपना विरोध जताया। दरअसल उनका आरोप था कि क्षेत्र में किसी भी गाय को इलाज की जरूरत होती है तो पशु चिकित्सक को कॉल किया जाता है, लेकिन वो अस्पताल की व्यस्तता के चलते मौके पर नहीं पहुंचते। इस बात से बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराज थे। वे शासकीय पशु चिकित्सालय के मुख्य गेट पर पहुंचे, वहां मौजूद डॉक्टर्स की सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन करने लगे। इस दौरान बड़वाह विधायक सचिन बिरला भी नगर में मौजूद थे, वह भी बजरंग दल के धरने में शामिल हो गए, जिसके बाद विधायक ने डॉक्टर्स और जिले के आला अधिकारियों से इसको लेकर बातचीत भी की। वहीं समस्या के हल करने को लेकर अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना था कि स्टाफ की कमी के चलते वे लोग फील्ड पर समय पर नहीं पहुंच पाते। खरगोन जिले के सनावद स्थित पशु चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर मंगलवार को बजरंग दल के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने लगभग 1 घंटे तक भजन कीर्तन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि क्षेत्र में गौ माता जख्मी थी, जिसको लेकर उन्होंने पशु चिकित्सालय कॉल किया, लेकिन मौके पर कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, जिसके चलते डॉक्टर्स को सद्बुद्धि मिले, इसी के लिए वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। इस दौरान नगर में मौजूद क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला भी पशु चिकित्सालय पहुंचे, भजन कीर्तन में शामिल हुए। विधायक बिरला ने डॉक्टर राजेश प्रधान से गाय के इलाज के लिए तत्काल नहीं पहुँचने का जब कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ केवल 2 ही डॉक्टर हैं, अगर स्टाफ बढ़ जाए तो अस्पताल के बाहर जाकर इलाज किया जाना संभव होगा। मिली जानकारी के अनुसार जिस समय डॉक्टर को कॉल कर बुलाया जा रहा था, उस समय अस्पताल में एक घायल बंदर का इलाज कर रहे थे। शासकीय परिसर में भजन कीर्तन कर रहे बजरंग दल के जितेंद्र राठौर ने बताया कि नगर में स्टेट हाईवे होने के कारण सड़क पर बैठी गाय अक्सर एक्सीडेंट से जख्मी हो जाती है, जिनका मौके पर इलाज होना होता है। ऐसे में वहां के डॉक्टर्स को जब फोन किया जाता है तो वह तत्काल नहीं आते, जिसके चलते कई बार गायों की मौत भी हो जाती है। इसे लेकर डॉक्टर्स को सद्बुद्धि देने के लिए अस्पताल के द्वार पर भजन कीर्तन किए गए, लेकिन अगर इसके बावजूद भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो बजरंग दल उग्र आंदोलन भी करेगा। वहीं जब विधायक सचिन बिरला ने पशु चिकित्सालय के अधिकारी डॉक्टर बघेल से बात की, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 5 पशु चिकित्सालय हैं, हर चिकित्सालय के एक एक डॉक्टर की ड्यूटी हर दिन सनावद में लगाई जाए, जिससे यहां पर स्टाफ जो है वो बढ़ सकेगा, डॉक्टर्स की कमी की समस्या दूर होगी। डॉक्टर राजेश प्रधान ने बताया कि यहाँ केवल अभी 2 डॉक्टर हैं, स्टाफ की कमी के चलते अस्पताल में आए हुए पशुओं का इलाज पहले किया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो फील्ड में वो लोग काम कर सकेंगे। ये बजरंग दल का विश्व व्रत का सद्बुद्धि अभियान हर डिपार्टमेंट में चलेगा। जहाँ भी गो माता, गंगा माता और गीता माता को जहाँ जहाँ अगर आपत्ति आएगी, वहाँ पे बजरंग दल का सद्बुद्धि चलेगा ये कार्यक्रम। और हम आज यहाँ पे जो आए थे तो डॉक्टरों के द्वारा हमको अस्वस्थ किया गया है कि आगे भविष्य में ऐसा कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। जहाँ पे बजरंग दल आवाज लगाएगा गौ माता की सेवा के लिए, वहाँ डॉक्टर तैयार रहेंगे। क्या गलती थी जिसको लेकर भजन करना पड़ा? जैसे बजरंग दल का कार्यकर्ता ना रात देखता है ना दिन देखता है, गौ माता की सेवा में निरंतर लगा रहता है। उसको अपेक्षा सिर्फ ये रहती है कि अगर कोई गाय माता एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाय माता बीमार है, तो उसका सही समय पर उपचार हो जाए, इलाज हो जाए। तो यहाँ पे जानकारी डॉक्टर को दी जाती थी, लेकिन उनके द्वारा थोड़ी लापरवाही बरती जाती थी, इसके कारण आज बजरंग दल को यह सद्बुद्धि संसंग करना पड़ा। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो 24 घंटे गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, गौ सेवक भी हैं, ये सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए। क्योंकि मैं भी शहर में ही था तो मुझे भी इन्होंने यहाँ पर बुलाया। और जो समस्या है बड़ी विकराल है कि हमारे पशु चिकित्सालय में मात्र स्टाफ में 2 डॉक्टर हैं। इस कारण कहीं ना कहीं अव्यवस्था हो रही थी, क्योंकि नेशनल हाईवे है और पशुधन दुर्घटना ग्रसित होते हैं, हमारी गाय माता भी होती हैं और अन्य पशु भी होते हैं, जिसके कारण उनको तत्काल अस्पताल लाना भी होता है और इलाज की जरूरत होती है। वो व्यवस्थाएं कहीं नहीं होने से आक्रोश फैला और आक्रोश का परिणाम ये हुआ कि अधिकारियों को जगाने के लिए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को कीर्तन करना पड़ा। तो मैं इस समय यहाँ पर उपस्थित हूँ, डॉक्टरों से बात की, उन्होंने ये बताया कि अगली बार से भैया ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और स्टाफ को बढ़ाने की बात के लिए हमने जिले के अधिकारी, जो पशु चिकित्सालय के बड़े अधिकारी हैं बघेल जी सबसे बड़े, उनसे बात की, वो भी परसों आ रहे हैं। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथियों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और यहाँ पर स्टाफ की कमी को हम शीघ्र ही दुरुस्त भी करेंगे और स्टाफ बढ़ाएंगे। हमारे आसपास के जो 5 अस्पताल है वहां पर जो हमारे
और 10 डॉक्टर्स हैं, उनकी एक एक दिन हम मुख्यालय पर ड्यूटी लगाएंगे जिससे ये कमी पूरी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।